हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्ण श्रृंगार विद साक्षी। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं लड्डू गोपाल जी की ड्रेस, जो मैं नवरात्रि के लिए बना रही हूँ। इसलिए मैंने इसका बेस येलो कलर लिया है और ये मैंने 14 इंच लंबा लिया है और 6 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। ये मैं 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बना रही हूँ। तो ये मैंने ड्रेस का बेस रखा है और इसके ऊपर मैं ये जयपुरी प्रिंट में, मेरे पास ये महरूम है, रेड नहीं है, ये कपड़ा है। तो इससे मैं इसके ऊपर इस तरीके से लेस बनाऊंगी इसमें, और साइड में मैं यहाँ पे ये मैंने 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है, इससे मैं पाइपिंग ऐड करूंगी यहाँ पे नीचे की साइड, और फिर ऊपर में मैं इससे एक पैटर्न दूंगी। तो सबसे पहले हमें इसमें, आप चाहें तो इसमें लाइनिंग का कपड़ा भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं लाइनिंग का कपड़ा ऐड नहीं कर रही हूँ। ये सिल्क है, थोड़ा खड़ा खड़ा भी रहता है और ये अपने आप में थोड़ा हैवी होता है इसलिए। और सबसे पहले हम इसमें ये पाइपिंग क्लॉथ लेंगे और इसको यहाँ पे इस तरीके से रख के, ये हमें कपड़े का सीधी साइड लेना है और इसका उल्टी साइड लेना है, और यहाँ पे सीधा इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे और फिर हम इसको इस तरीके से नीचे यहाँ पर ऐसे फोल्ड करके पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम सीधा इसमें पूरे में ये पाइपिंग ऐड कर लेते हैं। ये देखिए, हमने इसको कपड़ा सीधा साइड से रखा है और ये भी हमने इस तरह से सीधा साइड से इसके ऊपर रखा है और ऐसे हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरीके से अंदर की साइड इतना छोड़ते हुए फोल्ड कर देंगे एज ए पाइपिंग। तो चलिए, अब हम इधर की साइड भी इस तरीके से सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए, हमने इस तरीके से इसके ऊपर ये पूरे में पाइपिंग ऐड कर ली है और ये देखिए, ये उल्टी साइड है और ये हमारा सीधी साइड है। और अब हम यहाँ पे, मैंने ये 3 इंच की 3 इंच चौड़ी पट्टी कट की है और ये 40 इंच लंबी है। अब हम इसको एक बार पहले आयरन कर लेंगे। हमें इसको इतना यहाँ पे इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए दोनों साइड से आयरन कर लेना है, क्योंकि इसको इस तरह से सिलने में ईजी हो जाएगा। फिर हम इसको यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे इसको लगाएंगे, जो हमारा एज ए लेस वर्क करेगा। और ये देखिए, ये इसके ऊपर इस तरीके से पैटर्न आ जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम इसको यहाँ पे आयरन करके इसको सेट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको इस तरीके से आयरन कर लिया है। इस तरह से देखिए, ये अंदर की साइड फोल्ड हो गया है और अब देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से, हम इसको जब इसके ऊपर मशीन चलाएंगे तो ये बहुत अच्छे से इसके ऊपर लग जाएगा। और हम यहाँ पे बीच में 1 इंच का गैप छोड़ते हुए तब हम इसके इसको यहाँ पर इस तरीके से दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हम ड्रेस बना रहे हैं, ये हम बिना लेस, बिना बुकरम और बिना लाइनिंग वगैरह लगाए हुए बना रहे हैं, और ये हम स्पेशली नवरात्रि के लिए बना रहे हैं, और ये इतने से ही बहुत अच्छा लगने वाला है। और ये आप बचे हुए कपड़े से भी बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाली पट्टी ली है, ये जो जयपुरी वर्क में है। अगर आपके पास इस तरह का रेड और येल्लो का कॉम्बिनेशन है, कोई भी रेड पट्टी बची हुई है, किसी भी तरह के प्रिंट में है या प्लेन भी है, आप उससे भी बना सकते हैं। ये बचे हुए कपड़े में से ड्रेस है, बहुत अच्छा इसका लुक आएगा जब हम इसको पूरा तैयार कर लेंगे। तो चलिए, अब हम एक सिलाई यहाँ पर और एक सिलाई यहाँ पर दोनों साइड लगा लेते हैं बिना कोई लेस ऐड किए हुए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको लगा दिया है, सिलाई कर ली है, और ये इसका नीचे की साइड से है, और ये हमने ऐसे ऊपर की साइड, ये हमारा फ्रंट साइड आएगा। ये बहुत अच्छा लग रहा है और जब इसकी पूरी ड्रेस तैयार हो जाएगी, ये और भी सुंदर लुक आएगा। अब जो हमारे ये दोनों साइड के किनारे हैं, आप चाहें तो इसी की, जैसे हमने यहाँ पे इसी तरह के कपड़े की, जो हमने यहाँ पे इसका लेस की तरह यूज़ किया है, ये वाला और ये पाइपिंग वाला, यहाँ पे पाइपिंग यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप टिशू रिबन भी लगा सकते हैं, वैसे टिशू रिबन ज़्यादा बेस्ट रहेगा, उससे थोड़ा ये खड़ा खड़ा भी रहेगा। तो चलिए, हम दोनों साइड टिशू रिबन लगा देते हैं। देखिए, हमने ये इस तरीके से यहाँ पे टिशू रिबन लगा लिया है और ये देखिए पूरी फिनिशिंग आ गई है। और अब हम यहाँ पर प्लेट्स डाल लेंगे ऊपर की साइड। तो चलिए, प्लेट्स डालते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें पूरी ड्रेस में प्लेट्स डाल ली हैं, और ये देखिए कितना अच्छा और कितना प्यारा लुक आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। ये देखिए, और ये पूरे सर्कल में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि ये इस तरह से आ रहा है, इसके प्लेट्स इतने अच्छे हैं कि ये पूरे में आ रहा है।
ये देखिए ड्रेस का लुक पूरा राउंड में है, पूरा सर्कल में है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको बिना लेस की कैसे, बिना लेस और बिना बुकरम की आपको कैसी लगी ड्रेस, और स्पेशली नवरात्रि पे पहनाने के लिए, या आप कभी भी बना सकते हैं, किसी भी फेस्टिवल पे बना सकते हैं, और स्पेशली समर्स में डेली वियर में तो बहुत ही अच्छी रहती हैं इस तरह की ड्रेसेस, क्योंकि गर्मी रहती है, ज़्यादा हैवी उनको पहना नहीं पाते हैं। तो चलिए अब हम इनकी ब्लाउज़ बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये ब्लाउज के लिए 13 इंच लंबी पट्टी ली है और 2 इंच मैंने इसको चौड़ा रखा है, और मैंने जैसे हमने ये ड्रेस में पट्टी लगाई थी पाइपिंग लगाने के लिए, इसी तरह से हमने यहाँ पे ये दोनों पट्टियाँ ऐड कर ली हैं, और अब हम इनको इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और ये यहाँ से कुछ इस तरह का लुक आ जाएगा। तो हम दोनों साइड इसी तरह की ये पट्टियाँ फोल्ड करके लगा लेंगे। देखिए हमने ये इस तरह से ब्लाउज का तैयार कर लिया है, और ये इसका बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। तो चलिए अब हम इसमें से ब्लाउज बना लेते हैं। ब्लाउज के लिए हम इसको इस तरीके से हाफ कट कर लेंगे, ये देखिए, और एक हम इस तरीके से ये यहाँ पर रखकर इस तरीके से यहाँ पर 1.5 इंच का सिलाई लगा लेंगे फ्रंट में, और फिर हम इसको उल्टी साइड यहाँ पर 1-1 इंच का हम दोनों साइड यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए हम बाजू तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमने ये इस तरीके से ब्लाउज तैयार कर ली है। पहले हमने यहाँ पर इस तरह से एक सिलाई लगा ली जो हमारे सेंटर में आ गई, और ये देखिए ये हमने इधर की साइड इस तरह से 1 इंच सिलाई लगा के ये बाजू के लिए छोड़ दिया है, और ये देखिए ये पूरा ब्लाउज बन के एकदम बिल्कुल तैयार हो गया है। ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है, और अब हम चलिए इसको ड्रेस के ऊपर अटैच कर लेते हैं। ये देखिए इसके ऊपर हम इसको इस तरीके से रखेंगे, ये भी हम सीधा रखेंगे और ये भी सीधा रखेंगे, और इस तरह से रख के पूरे में इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से ब्लाउज अटैच कर दी है, और ये देखिए ये अंदर की साइड से है ब्लाउज, एकदम हमने पूरा नाप के काटा था, और मैंने ये यहाँ पर थोड़ा सा जिगजैग सिलाई लगा दी है ताकि यहाँ से सिल्क है थोड़ा धागा निकलेंगे, ताकि धागे ना निकले। अगर आप आपके पास मशीन से जिगजैग नहीं हो सकता है तो आप इंटरलॉक भी करा सकते हैं, या फिर इसको यहाँ पर एक पट्टी लगाकर इस तरीके से लॉक कर दीजिए। और ये देखिए हमारी फुल ड्रेस बनके एकदम बिल्कुल तैयार हो गई है। एक बार हम इसके ऊपर आयरन कर लेंगे ताकि इसके प्लेट्स और भी अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए एकदम बिल्कुल फुल ड्रेस बनके तैयार हुई है। ड्रेस में कहीं पर भी गैप नहीं है, यहाँ पर गैप नहीं है, सर्कल एकदम बिल्कुल कंप्लीट है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि नवरात्रि के लिए बिना लेस के, बिना बुकरम के आपको ड्रेस कैसी लगी, और हमारे लड्डू गोपाल जी पहनकर इसको कैसे लगेंगे, ये सब आप कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है इसका, बहुत ही सिंपल ड्रेस है। हमें ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है इसमें, और ना ही हम लोगों ने इसमें ज़्यादा कुछ ऐड किया है, फिर भी ड्रेस बहुत अच्छी बन गई है। तो चलिए थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। और ड्रेस पसंद आई है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी आपके साथ में इसी तरह से ड्रेसेस बना के शेयर करती रहूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ड्रेस कैसी लगी। एंड थैंक यू, राधे राधे।